जबलपुर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 1 मई से खेल एवं युवा कल्याण विभाग जबलपुर द्वारा राइट टाउन स्टेडियम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव दिग्विजय सिंह, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशासक कुलदीप बरार मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखार कर खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे कि खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभाओं को समझकर उस खेल विद्या में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। बैठक में समस्त राज्य जिला खेल संघ पदाधिकारी, समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों के खेल शिक्षक खेल प्रशिक्षण उपस्थित रहे। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रति वर्ष जब से हमने खेलने आ रहे हैं छोटे से, जब स्कूलों की और कॉलेजों की छुट्टियाँ होती हैं, तो एक 20 तारीख शिविर लगाया जाता है, क्योंकि बच्चों की जो छुट्टियाँ होती हैं वो अपना समय का उपयोग या अपना इंगेजमेंट फ्री रहने के कारण से वो खेलों में आए, और उसी दिशा में एक जबलपुर के जितने भी खेल संघ हैं, ग्राउंड हैं, एकेडमीज हैं या जो मैदान में प्रशिक्षक हैं, सबको यहाँ पर मिला के एक समर कैंप के संदर्भ में एक मार्गदर्शन और किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से आगे चलना है, जब ग्रुप का खेल आगे बढ़े, इसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। खेल अधिकारी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कि सरकार के द्वारा जिला खेल अधिकारी के माध्यम से सब सामग्री भी सब जाएगी इस दिशा में किया गया था। और जनरली खेल भी जब से कोविड हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी पूंजी हो, लेकिन वो किसी काम की यदि आप स्वस्थ हैं तो वो उससे बड़ी पूंजी नहीं है। तो उस दिशा में उसका भी एक उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग संख्या से मैदानों में आए, खेलें, स्वस्थ रहें, और यदि कोई बच्चा कैरियर अपना बनाना चाहता है तो उस दिशा में आगे जाकर कैरियर भी बनाए। इस दिशा के कितने दिवसीय रहेगा ये कैंप? 30 दिवसीय मिनिमम 30 दिवसीय कैंप रहेगा, ताकि ये बहुत से जो मैदान है वो साल भर चलाते रहते हैं, पर ये बिगनर्स के हिसाब से अंत में क्या समापन किया जाएगा इसका? समापन उस समय मौसम थोड़ा सा कम हो जाना पड़ जाती है और सिलेक्शन था, लेकिन जो जो मैदान गतिविधियाँ थी वो अपने मैदान के स्तर पर शुरू हो गया, और हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय कुछ मौसम और कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो उसका पक्का नहीं कह सकते, पर प्रयास हमेशा होता है कि उसको क्लोजिंग करें। इसके कोविड के पहले तक हमेशा क्लोजिंग भी हम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विगत वर्षों से आयोजन किया जा रहा है, इस वर्ष भी किया जाएगा और ये मिनिमम 30 डेज का रहेगा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हो, जो हमारे न्यूली जो बच्चे आते हैं खेलने के लिए उनको खेलों की तरफ बढ़ावा दें, उनका जो गर्मियों की छुट्टियों का जो सदुपयोग करने के लिए है, और इसमें जो हमारे विशेष भूमिका रहेगी हमारे जो खेलों के महासंघ हैं उनके माध्यम से प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको कराया जाएगा। और इसमें मेरा सिर्फ यही आग्रह है सभी से, सामान से, कि जबलपुर जिले के सबसे मैक्सिमम सिलेक्शन नंबर बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाए।